खबर छत्तीसगढ़ के कोरिया से है। सिस्टम कैसे खाना पूर्ति करता है इसकी बानगी देखने को मिली है सुखतरा गांव के प्राइमरी स्कूल में। यहां कुछ दिनों पहले पानी की मांग को लेकर बच्चों का वीडियो वायरल हुआ। विस्तार न्यूज ने खबर को प्रमुखता से दिखाया था। पीएचई विभाग ने तत्काल संज्ञान लिया, मौके पर हैंडपंप भी लगवा दिया। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस हैंडपंप से एक महीने बाद भी एक भी बूंद पानी तक नहीं आया। देखिए सिस्टम कैसे कामों के नाम पर सिर्फ और सिर्फ खानापूर्ति करता है। पीएचई विभाग की खानापूर्ति देखिए, दावे और हकीकत के बीच फर्क देखिए। काम मत करिए लेकिन धोखा मत दीजिए। छह साल हो गया इसमें खुदाने के लिए, इसमें भी लगा नहीं है। छह साल हो गया सहे का मुड़े पर से ही पानी लाती है। ये वीडियो तो आपको याद होगा, कोरिया के सुखतरा प्राथमिक स्कूल के बच्चों ने झूठी थालियां लेकर वीडियो बनाया और छह साल से खुदे बोरवेल को दिखाते हुए पानी की व्यवस्था कराने की मांग की। विस्तार न्यूज ने खबर को प्रमुखता से दिखाया। खबर दिखाए जाने के बाद पीएचई विभाग हरकत में आया। इन मासूमों को उम्मीद जगी, लेकिन शायद इन्हें पता नहीं था कि इनके साथ धोखा किया जा रहा है। काम के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है। हैंडपंप तो लगवाया गया, लेकिन हकीकत क्या है यही बताने हम एक बार फिर सुखतरा गांव पहुंचे। उबड़ खाबड़ रास्तों से होते हुए हम सुखतरा पहुंचे तो यहां हैंडपंप तो दिखा, लेकिन हालात वही पुराने थे। हैंडपंप से एक बूंद भी पानी नहीं आ रहा। मिड डे मील बनाने से लेकर बच्चों को पानी पिलाने और बर्तन धोने के लिए 1 किलोमीटर से पानी लाते हुए स्टाफ मिल गया। कभी नल से तो कभी ढोड़ी से पगडंडियों के सहारे पानी लाकर काम चलाया जा रहा है। और जब बातचीत हुई तो पीएचई की हकीकत भी सामने आ गई। 6 साल पुराने गड्ढे में ही हैंडपंप लगाकर चले गए, जिसमें कभी पानी ही नहीं आया। एक स्कूली बच्चों का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें अनोखी तरीके से बच्चे पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिए झूठी थाली हाथ में लिए हुए नजर आ रहे थे। उस वायरल वीडियो को जब विस्तार न्यूज ने चलाया था तो आनंद फानल में प्रशासनिक अधिकारियों ने पीएचई विभाग के कर्मचारियों को भेज करके 6 सालों से जो मांग पूरी नहीं हो रही थी उस मांग को पूरा करते हुए हैंडपंप स्थापित कर दिए। लेकिन ताजुब की बात तो ये है कि हैंडपंप लगाने के बाद आज तक लगभग 1.5 महीने में एक बूंद भी पानी नहीं टपका है। बहुत पानी का परेशानी है, घर से पानी लाती हूँ, फिर बच्चे लोगों को हाथ धुलाती हूँ, थाली धुलाती हूँ, उसी में खाना भी बनाती हूँ। इतना परेशानी हो रहा है पानी के लिए। यहाँ हैंडपम्प लगा है, बोर भी खुदाया है, लेकिन इसमें पानी नहीं लगा है। 1.5 महीना हो गया, उसको हम लोग भेजे हैं बनाकर वीडियो, बच्चे लोगों को भी, हम लोग भी, लेकिन हम लोगों को पानी नहीं मिला है। हम लोग क्या करें सर, इतना परेशानी में हो रहे हैं कि क्या बताएं, बहुत परेशानी हो रहा है। और जल्दी से जल्द आप देने को पानी कृपया करें सर, नहीं हम लोगों का यहाँ कहना है, बच्चे लोगों को कहना है कि पानी लिए बहुत परेशानी हो रहे हैं, हाथ धोने के लिए भी गंदा रहता है हाथ भी, और खेलते कूदते हैं वो भी गंदा रहता है, तो क्या करें सर, पानी नहीं रहेगा तो क्या है, कुछ नहीं है, जल नहीं है तो जीवन भी नहीं है। बैकुंठपुर से 70 किलोमीटर दूर इस स्कूल में पदस्थ शिक्षकों का कहना है कि वो 2005 से अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई हल नहीं निकला। वीडियो वायरल होने के बाद पीएचई ने काम किया, लेकिन खानापूर्ति से ज़्यादा कुछ भी साबित नहीं हुआ। मेरा प्रथम नियुक्ति यहाँ 2005 से है। इसके बाद 22/12/22 को मैं प्रधान पाठक पद में पदोन्नत हुआ। अच्छा, आप 2005 से आप यहाँ पे पदस्थ हैं, पानी की समस्या कब से है यहाँ पर? यहाँ पर तो पानी की समस्या पहले से ही है, 2005 से ही है, जब मैं देखा उससे भी पहले से है। इसके लिए हमने विकासखंड शिक्षा अधिकारी से भी मांग किए हैं और समस्या समाधान शिविर में भी आवेदन देते आ रहे हैं, फिर भी अभी तक तो पानी का समस्या दूर नहीं हुआ है। यानी काम तो हुआ लेकिन सिर्फ खानापूर्ति, हैंडपंप लगवाया लेकिन पानी कब आएगा किसी को पता नहीं। कागजों में व्यवस्थाएं दुरुस्त हो चुकी हैं, लेकिन पानी के लिए संघर्ष आज भी जारी है। विस्तार न्यूज ने मौके पर पहुंचकर पीएचई विभाग के कारनामे का पर्दाफाश किया है, जिम्मेदारों की धोखेबाजी को बेनकाब किया है। हमारी कोशिश सिस्टम की खामियां दिखाना तो है ही, लेकिन मकसद सिर्फ इतना है कि कम से कम इन मासूमों को साफ पानी तो मिलना चाहिए।
बस देखना यही है कि अधिकारी कब तक इस खानापूर्ति से बाज आएंगे। विस्तार न्यूज के लिए शैलेश गुप्ता की रिपोर्ट। जिम्मेदारों से ये उम्मीद तो कतई नहीं थी। ये सिस्टम है जो कुछ भी कर सकता है, लेकिन हम भी सिस्टम को आईना दिखाते रहेंगे।